लोगों के लिए सही सोचते हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी के पास एक रुपया नहीं है, लेकिन उसका सपना है ना कि 1,00,000 रुपये महीना मुझे कमाना, 50,000 रुपये महीना मुझे कमाना है। वेलकम आ जाओ, हाँ या ना, उसको भी आप ला सकते हो अमीर बनाने के लिए। अब देखो, अगर वो व्यक्ति को आप लाते हैं, अब आप समझो, देखो ये जो काउंसलिंग जो आप समझ रहे हैं ना, ये जो हो रहा है, ये पूरी तरीके से आपको क्या दिया जा रहा है अंदर से। एक आदमी को ब्रांच डायरेक्टर बनने के आपने कितने दिन कहे? 6 महीना। डन, लॉक कर दे। यस सर। कोई बिना पैसे लगाए अगर आपके साथ इस बिजनेस में आता, तो 6 महीने में अगर वो ब्रांच डायरेक्टर बनते तो उसकी इनकम कम से कम 5,000 से 8,000 रुपए हो सकता है। यस सर। बिना पैसे लगाए तो ऐसा काम है? नो सर। वेस्टेज है ना? ठीक है। अब अगर ये आप हैं, कैसा लगेगा? अच्छा है, आप 6 महीने में बन गए जी। अब आपने इस व्यक्ति को भी ब्रांच बनने में मदद की है। जिसके पास पैसे हैं आ जा, नहीं है तब भी आ जा, डॉक्टर है तब भी आ जा, टीचर है तब भी आ जा, इंजीनियर तब भी आ जा। आज इस चीज में नाना प्रकार के लोग काम करते हैं, एक टाइप के लोग नहीं है। अच्छा, आपने साइंस लिया था? वेस्टीज में जा सकते ऐसा है नहीं। आप कॉमर्स है तब नहीं ऐसा कुछ है आपके पास पूंजी नहीं है तो नहीं कर सकते यहाँ पे जा के टू हेल्प पीपल, यानी 800 करोड़ लोगों में से कोई भी 18 साल से ऊपर का व्यक्ति वेस्टीज कर सकता है और कर भी रहा है। सफल भी हर प्रकार के लोग यहाँ पे। तो जब आप एक व्यक्ति को, 2, 3, 4, 5, 6 व्यक्ति को जाके मदद करते हैं और अगले 6 महीने 1 साल के अंदर अगर ये ब्रांच डायरेक्टर से भी बनते हैं, क्या बनते हैं? ब्रांच डायरेक्टर। तो आप क्या बन जाते हो? ग्राउंड डायरेक्टर। उनमें से आपको हॉस्पिटल मिलेगा जी, कार फंड भी मिलेगा, ट्रेवल फंड भी मिलेगा, बिजनेस बिल्डिंग बोनस भी मिलेगा, परफॉर्मेंस बोनस भी मिलेगा। और अगर आपको बड़ी इनकम करनी तो एलओबी लेनी होगी। क्या करना होगा? एलओबी लेनी होगी। तो एलओबी लेने के लिए आपने करना क्या है, कम से कम इसके एक टीम में 2 और लोगों को ब्रांच डायरेक्टर कराने। जैसे ये व्यक्ति आपने पूरे टीम से कितना किया? अब ये बाकी के टीम से कितना कर रहा है? तो ये क्या हो गया? सिल्वर डायरेक्टर। ये ब्रांच डायरेक्टर, ये क्या हो जाएगा? सिल्वर डायरेक्टर। तीनों का पीवी मिला के कितने हो गए सर? 6,000 पीवी हुआ या नहीं हुआ? इस 6,000 पीवी से एक क्राउन डायरेक्टर को कितना इनकम मिलता है संजय? इस 6,000 पीवी से एक क्राउन डायरेक्टर को कितनी इनकम मिल सकता है? 1 लाइन से 6 लाइन से तो 36,000 होगी। 1 लाइन से कितनी आएगी? 6 लाइनों से 36 है, मगर एक एक करके अलग अलग कितना इनकम आएगा करके दिखाऊं? इस 6,000 पीवी का 5% आपको मिलेगा, कितना मिला? 300 पॉइंट। और इस 300 पॉइंट को 18 से गुणा कर लो तो कितना आएगा? 5400। कितना है? 5400 जी। अब कार फंड, हाउस फंड, ट्रेवल फंड, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, एलओबी मिलाकर होते हैं 4.50 रुपए। इसको गुणा कर लो, 24,300। मैं कहता हूँ कि इससे 20,000 रुपया तो मिला, 24 छोड़ो 20 मिला, तो 6 लोगों से कितना मिला सर? अगर आपने 6 लोगों को जाके सिर्फ मदद करते हैं ब्रांच डायरेक्टर बनने में और उनके नीचे एक एक दो दो और बन गए, तो आपके महीने का इनकम कितनी होगी? कितने टाइम लग सकता है इसको करने में? सही से करो तो 1 साल, 2 साल मान लो, 3 साल मान लो, डन। तनख्वाह कितनी है? पक्का डन? तो अब आप समझने की कोशिश करो कि आज अगर आप इंजीनियरिंग करने जाते हैं या MBBS करने जाते हैं तो इसमें कितने पैसे लगेंगे। ये ट्रेडिशनल एजुकेशन का मैं बात कर रहा हूँ, कितने पैसे लग जाएगा MBA या MBBS या इंजीनियरिंग में? 10-20 लाख रुपए तो लग ही जाएगा। 5-6 साल पढ़ने पड़ेंगे, 5-6 साल में इनकम कितनी आएगी? जीरो। उसके बाद अपना करियर शुरू करोगे, हाँ या ना?
गारंटी है कि ये तनख्वाह से शुरुआत होगी। लेकिन यहाँ जो मैं आपको फाइनेंशियल एजुकेशन वाली बात समझा रहा हूँ कि अगर आपने 3 साल तक दिल लगाकर सही से 6 नेटवर्क के लोगों को मदद करो ब्रॉन्ज बनने के लिए, आप 1 लाख रुपए से ऊपर इनकम कर सकते हो। ट्रेडिशनल एजुकेशन सिर्फ आप इंजीनियर 10 लाख रुपए लगा के बन सकते, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं, आप बैंक मैनेजर बन सकते हैं 10-20 लाख रुपया लगा के 6 साल पढ़कर, बट जीवन भर आपको पैसे के लिए काम करना होगा। और यहाँ पे कहा जा रहा अमीर लोग हमेशा दूसरों के लिए सही सोचते हैं और टू गिव सोसाइटी क्या देते हैं बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अपने यहाँ क्या दिया इनको बेस्ट प्रोडक्ट सर्विस रेटिंग इंफॉर्मेशन ये सब देते हैं। सक्सेसफुल लोग वर्क फॉर लिवरेजिंग टाइम और बाकी लोग पैसे के लिए काम करते हैं। आप किसके लिए काम किए? टाइम बढ़ाने के लिए काम किए। तो सक्सेसफुल लोगों का जीवन ऐसे होता है, देखो ये लोग क्या पहन गए हैं, है ना, कार से आ रहे हैं बढ़िया बढ़िया, ऐसे प्लेन में सफर करते हैं, ऐसे बंगलों में रहते हैं, और जो ये एवरेज लोग हैं वो ऐसे मिलेंगे आपको रोड पे, ये रहते किधर, इनका सफर लग्जरी है और ऐसे इनका इनकम। क्लियर हो रहा है? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आज आप गरीब परिवार से हैं, क्योंकि अमीर बनने के लिए पैसे की जरूरत ही नहीं और स्कूल का डिग्री की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ करना क्या पड़ेगा, आपको इनके नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा, अपने टाइम को लेवरेज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ कर सकते हो। ये कितने का चेक पे मैं पहुँचा है? 1 लाख। कितने साल लग गए? 3 साल। थोड़ा सा इसको मिटा दे, ये आपके इनकम यहाँ से मैं हटा दिया। जब आप 3 साल में पहुंच सकते हैं तो ये 5 साल में पहुंच सकता है कि नहीं वहाँ पे काम डायरेक्टर पे? इसकी कितने की होगी? 36,000 हो गया इसका, तो आपको इससे मिलेगा आप 4%। कितने? 4% निकालिए। 1440 × 18 करिए कैलकुलेटर खोलिए सर। आपको हाँ जी 25,000 पॉइंट आए एक से, है ना, तो 25,000 पॉइंट को 4 रुपए से गुना कर दो सर, 1 लाख रुपया आपको ये दे रहा है। तो 6 लोग कितने दे रहे हैं? 6 लाख। अगर 5-6 साल काम करने के बाद आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो काहे करने जाएंगे MBBS? क्यों काम करने जाएंगे हम MBA? क्यों करने जाएंगे इंजीनियरिंग? आई बात समझ में? अगर आप अपने 6 लोगों को 1-1 लाख रुपया कमाने वाला बना देते तो आप खुद 5-6 लाख रुपया कमाने वाला बन जाते। और सिंपल काम करना है, पहले क्या बनना है ब्रॉन्ज और फिर क्या बनाना है ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिंपल है ना। लेकिन इसके लिए कुछ आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, यानी कि वो काम करना पड़ेगा जो बाकी सफल लोग करते हैं। कर सकते हैं आप लोग? चलिए कर सकते हैं। मैं वो बताऊं आपको जो करना है, शुरू करते हैं, शॉर्ट में बताएंगे इसको, थोड़ा बढ़िया समझिएगा। सबसे पहले आपको अपना एक विजन बनाना पड़ेगा कि मैं क्यों आया हूँ इस बिजनेस को करने, इस इंडस्ट्री में क्यों आया हूँ, आपका वो क्यों को ढूंढो। अगर आप लोगों को ये प्लान चाहिए, PPT चाहिए, मैं अभी व्हाट्सएप पे सब दे दूंगा, मीटिंग खत्म होती है। आप फोटो खींचेगा तो 1-8 पीस का खींच पाओगे, अगर मैं सारा दे दूंगा तो सारा आपके पास रहेगा, ठीक है। चलिए आपको सबसे पहले अपना विजन सेट करना होगा, टू हेल्प पीपल लाइक ए लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओन कंट्री। किसका है? कंपनी का है। तो कंपनी किसका है? आपका है। तो अब ये कीजिए, माई फैमिली एंड माई ऑल टीम, एग्जाम्पल 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, कितने लोगों को आप मदद करना चाहते हो? जैसे मैंने अभी टारगेट लिया 500 लोगों को 1 लाख रुपये से ऊपर लेके जाना, 500 लोगों को 1 लाख से ऊपर लेके जाना है, लोगों को मदद करना है ताकि मैं खुद अमीर हो जाऊँ। तो पहले अपना विजन सेट करो कि कम से कम हमें 6 लोगों को 1 साल में डायरेक्टर बना लें। क्या बना लें? डायरेक्टर, ब्रांच डायरेक्टर बनाना। पहले 1 साल में कितने लोगों को? 6 लोगों
खुद क्या बन जाओगे? और अगर अपने 5 साल में इन लोगों को क्राउन भी बना दिए तो आपकी इनकम कहाँ पहुंच जाएगी? आज आप स्कूल कॉलेज जा रहे हैं और आपके साथी भी जा रहे हैं, जब वो इंजीनियरिंग करके आ रहा होगा तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, वो आएगा जॉब ढूंढने, आप फ्री रहोगे, ऐसे है ना? तो अपना विजन पहले सेट कर लो। दूसरा, आपके बिजनेस में एडवांटेज बहुत है, कोविड के टाइम में भी इनकम बंद नहीं होती है, आपने मेरा देखा ना चेक, कोविड के टाइम में भी बंद नहीं होता है, और प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं आपके पास, हाई रिटर्न, यहाँ 1 करोड़ भी लोग कमा रहे हैं, जॉब में है क्या? नहीं है ना? और यहाँ ग्रेट इंसेंटिव, 10 तरह का पैसे आपको मिलता है, और यहाँ पे आपको एक्सटेंसिव ग्रेट ट्रेनिंग मिलता है, जहाँ पे आप अमीर बनना सीखते हैं। हिंदुस्तान में एक कॉलेज का नाम बता दो जो अमीर बनने के लिए खुला है, कि मैं जा रहा हूँ पापा अमीर बनने का कोर्स है, 4 साल का है, 30 लाख रुपया देंगे, अमीर बनना कैसे सीख जाएंगे? है कोई कॉलेज है? इंजीनियरिंग का है ना, फैशन डिजाइनिंग का है, MBBS का है, बैंकिंग का है, रिच बनने का कहाँ है? है नहीं है ना? तो आपको यही चीज समझना होगा। तो सबसे पहले अपना क्या सेट करेंगे आप? कि हमें कुछ भी हो जाए, 6 लोगों को ब्रांच डायरेक्टर मुझे 1 साल में बनाना कर सकते हो ना? दूसरी चीज कि यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, माइंड सेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइंड सेट। तो मेरे को रिच बनना है, पुअर नहीं बनना है। अगर आप फोकस कर देंगे नहीं सर हम जॉब करेंगे तो क्या बन जाओगे आप? क्या बनना है सच में? अगर आपको पता चल जाए कि आप गरीब बनने वाले हैं तो जो काम आप कर रहे हो उसमें दिल लगेगा? और यहाँ पता चल गया कि आप अमीर बनने वाले हैं तो दिल को लग नहीं लगना, कोई कितना ही मना करे। हाँ, तो माइंड सेट करना है कि मेरे को रिच बनना। दूसरा क्या करना है? फोकस उस काम पे करना जहाँ से अमीर बनेंगे, उसकी एजुकेशन लेना जहाँ से आप अमीर बनेंगे, डेडिकेशन के साथ काम करना और डिसिप्लिन के साथ हार्ड वर्क करना। कोई कितना भी कुछ भी बोले, आपको उसके साथ लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, अच्छे से व्यवहार करना, अच्छे से बात करना है, क्योंकि आप बड़े बिजनेसमैन हैं, है ना? इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको लेने होंगे बेसिक ट्रेनिंग की हमें क्या करने से अमीर बनने में आसानी होगा, विस्टिज बिजनेस में वही करना है। कितने बार करने हैं? एक बार करना। नहाते कितने बार है? रोज रोज, है ना? ब्रश कितने बार करते हैं? हर दिन। खाना कितने बार खाते हैं? 3 बार डेली, है? उसी तरीके से ये जो बेसिक काम है ये हमेशा करना है, ठीक है? तो बेसिक काम में सबसे पहले आपको क्या लेना है? लेते रहना, सीखते रहना है, अपने स्किल को अच्छा करते रहना है, एक्सपीरियंस कमाएगा आपके पास जब आप फील्ड में जाएंगे, और लर्निंग करते रहना, सिखाते रहना, सीखते रहना, डेवलपमेंट खुद की भी करनी है और अपने टीम का भी करना है, और ब्रेन पावर रखना है, किसी भी परिस्थिति में टूटना नहीं है। जैसे अभी कह रहा था आर्या जी, सर आपका गजब का पेशेंस है, इतना उतार चढ़ाव आपके जिंदगी में आता है लेकिन आप इतना कूल कैसे रहते हैं, है ना? अगर मैं कूल ना रहूं तो आपको क्या सिखा पाऊंगा? अगर मैं बेचैन रहूं तो क्या सिखाऊंगा? हाँ जी, अगर मान लो मैं अपने फैमिली प्रॉब्लम से बेचैन हो जाऊं तो हम पैसे कमा सकते हैं? तो फैमिली को एक प्रॉब्लम हो गया मेरे लिए। टॉपिक समझ में आया? अगर कोई फैमिली प्रॉब्लम से परेशान है, घर में पैसे नहीं है, या बिजली का बिल नहीं भराया, या स्कूल का बिल नहीं भराया, या हो सकता है घर में झगड़ा चल रहा हो हस्बैंड वाइफ में, मान लो, ठीक है, आप परेशान हो, बहुत परेशान हो गए, सब काम छोड़ दिए, अब पैसा आना भी बंद हो गया, तो प्रॉब्लम घटा या बढ़ गया? एक था अब 2 हो गए, फिर बिल आ जाएगा स्कूल का 30 भरना, 3 हो जाएगा, बिजली बिल आया 4 हो जाएगा, दूध का बिल आया 5 हो जाएगा, राशन वाले बिल आया 6 हो जाएगा, ऐसे करके बिल बढ़ते चले जाएंगे, फिर अपने आप प्रॉब्लम आपको घेर लेगा। जैसे प्रॉब्लम्स जो भी है लाइफ में आपका, उसे ओवरकम करने के लिए आपको कूल रहना है, इसको कहते हैं विल पावर, है ना? परिस्थिति जितना भी गंभीर हो जाए आपको रिलैक्स होकर के हर काम को करना है, क्योंकि आप जब ग्रो करोगे ना तो आप अपने लाइफ में, अपने फैमिली के लाइफ में, अपने टीम के लोगों के लाइफ में बेहतरी कर सकते हो, तरक्की ला सकते हो। हाँ, या ना? Yes.
ला सकते कि नहीं ला सकते? अगर इन केस मान लो फॉल्ट रहा दूध वाले में, हिसाब किताब गलत दिया, बिल गलत दे रहा, तो आप दूध वाला चेंज कर दो, हाँ या ना? पैसा रहेगा तभी तो करोगे। राशन वाले ने गलत राशन दिया, आप राशन दुकान बदल सकते हो, है ना? अगर फैमिली गलत कर रही है, सारा फैमिली बदल सकते हैं, पैसा होना चाहिए। नहीं बदल सकता लोग, कितने लोग बदल लेते हैं? आप दिल में मत लेना, कई लोग ऐसे होते हैं। आप अगर जाके देखो फैमिली कोर्ट में, मैं देखा हूँ, मेरे कुछ वकील मेरे टीम में है, जब मैं जाता हूँ परेशान रहते हैं। मैं बोला सर अब क्यों परेशान हो? बोला सर आज तीन को डाइवोर्स करवाया हूँ। मैं बोला क्यों? बोला जी लड़की रहना नहीं चाहती है, लड़की को चाहिए लड़का हीरो टाइप का, और इस लड़के का बाल थोड़ा उड़ा हुआ है। वो लड़का बोला था शादी से पहले कि हम पैसा कमाते हैं 40,000 रुपया महीना, जाली नकली पे स्लिप दिखा दिया था नौकरी का, और अभी पता चलता है कि ऑटो चलाता है। तो जी वो क्या झगड़ा उगड़ा हुआ, लड़की पढ़ी लिखी थी और ये भी पढ़ा लिखा था बट नौकरी नहीं था, झूठ बोल के शादी हुआ था, तो अभी ये डाइवोर्स करा दी। आई बात समझ में? एक लड़की का नेचर ही गड़बड़ था, वो झगड़ा करती थी, कुछ ऐसा मैटर था, लड़का सर्विस वाला वो परेशान था, उसका भी डाइवोर्स हो गया। अगर लड़का बेचैन हो जाए तो काम भी नहीं कर पाएगा, कर पाएगा? मेरा कहने का मतलब है लड़का हो या लड़की, अपने माइंड को इतना रिलैक्स कर दो, इतना कूल कर दो, विल पावर इतना मजबूत कर दो कि परिस्थिति में तूफान आ जाए ना आसान हो। इसलिए कहते हैं विल पावर। क्यों? आपका पर्पस क्या है, जीवन का पर्पस क्या है? उलझना परेशान होना। आपका चॉइस क्या है, अनसक्सेसफुल रहना या सक्सेसफुल रहना? तो सिर्फ वहां फोकस करना जिस काम को करके आप सक्सेसफुल, और कहीं फोकस करने की जरूरत है। फालतू का कोई काम मत करो जिससे आप सफल नहीं होंगे, जहां सफल होंगे वहीं फोकस करो, सिर्फ वहीं फोकस करो, ठीक है? रिस्पेक्ट सभी का करो, सबसे अच्छे से बात व्यवहार रखो। सामने वाला अगर उलझ रहा है तो आपको नहीं उलझना, ठीक है? एक ऑटो वाले ऐसे, हम लोग दो जन गए दिल्ली में, बता रहे हैं, हम लोग दो जन जा रहे थे कहीं पे, बंदे का किराया हुआ 40 रुपए, कितने? वो एक से बहस करना शुरू कर दिया, मेरे साथ में जो थे उनसे बहस करना, 50 रुपया हुआ, अभी पैसे भी नहीं दिया हूँ, 50 लगता है यहाँ तक आने का, वो पीछे लगेगा 50-40 लगता है, लोग लगे हुए पैसा देना है हमको। सच्ची बता रहा हूँ, वो दिया भी नहीं है, बहस हो रहा है उससे, और पैसे देने मुझे 40 वो देना चाह रहा हूँ, 50 मांग रहा, और पैसा देना किसको? मैंने निकाला 100 का नोट अपने लिए, भाई क्या मजे का, थैंक यू सर, थैंक यू। अब सामने रहा, अब दिए क्यों 100 रुपया? अरे भाई उसके घर पैसों की दिक्कत, इसीलिए देख रहे नहीं कितना परेशान है पैसों के लिए, 50 रुपया 60 रुपये ज़्यादा दे दिए, जाने दे। बात समझ आई? तो कई बार झगड़ों का कारण पैसे का कमी होता है, नहीं होता है? आप घर पे दीजिएगा 10,000 रुपये का खर्चा है, आप दीजिए तो 8,000, उस महीने आपको खराब खराब जला रोगी मिलेगा, मिलेगा नहीं, और सब्जी भी सही नहीं मिलेगा, 11 आलू अपना मिलता है नहीं। तो ये चीजें समझने की बात है, ज्यादातर झगड़े का कारण क्या है? पैसा। तो आपको ये चीजें बहुत जरूरी, नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, लर्निंग, डेवलपमेंट और विल पावर, ये बहुत जरूरी है, ये होनी चाहिए। इसके बगल में मैं पेशेंस भी लिखने वाला था।